بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमको इस रमज़ान की चौथी ताक रात पाने का भी मौका इनायत फरमाया। अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने के पिछली तीन ताक रातों में जाग कर इबादत करके अल्लाह से मांगा, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार किया और अपने मुसलमान भाइयों को याद किया और अल्लाह के यहाँ अपनी ज़रूरतें पेश की, उनको तौफीक हुई आज भी कि इस रात में भी अल्लाह को याद करें, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और अल्लाह के अहकाम को जानें। अल्लाह से दुआ है कि एक और ताक रात जो बाकी रह गई है अल्लाह ताला उसमें भी हम सबको तौफीक नसीब फरमाए कि उसको भी हम पाने की कोशिश करें। अगर पिछली तीन ताक रातों में शब-ए-क़दर नहीं हुई है तो इम्कान है कि आज की ताक रात में शब-ए-क़दर हो, अगर आज भी नहीं तो परसों आने वाली इंशाअल्लाह आखिरी ताक रात होगी, इनमें से कोई ना कोई रात ताक होगी, शब-ए-क़दर होगी ताक रातों में और अल्लाह ताला यकीनन हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। हमको चाहिए कि अपने मज़लूम भाइयों को ना भूलें कि जो दुनिया में मुख्तलिफ़ हिस्सों में परेशानियों में मुबतला हैं, घर बार से उनको निकाला गया है, उनके बच्चे, उनके शौहर, उनकी बीवियाँ, उनके माँ बाप उनसे जुदा हो गए हैं, जालिमों ने उन सब का घर उजाड़ा है, जिन जालिमों ने मुसलमान भाइयों और मज़लूम फ़लस्तीनियों के और दूसरे लोगों के घर उजाड़े हैं, अल्लाह ताला उनके घरों को उजाड़े, अल्लाह ताला उनको जहन्नम में दाखिल करें, उनके घरों को उनका ले जहन्नम का नमूना बनाए। जहाँ भी मज़लूम लोग हैं अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए और जालिमों को कैफर किरदार को पहुँचाए। आज की रात मेरे भाइयों बड़ी ही मुबारक रात है। इस रात के अंदर जैसा कि बार बार आप सुनते हैं अल्लाह के फ़ैसले होते हैं एक साल के लिए, हमारी तकदीर लिखी जाती है कि आइंदा इस रमज़ान से लेकर आइंदा रमज़ान तक ये बंदा क्या करेगा और क्या करेगा तो उसकी मुसीबतें परेशानियां दूर होंगी, और अगर वो इबादत नहीं किया दुआ नहीं किया तो उसको क्या क्या मुसीबतें परेशानियां पेश आएंगी, ऐसी तकदीर आज की रात लिखी जाने वाली है। इसलिए बंदे मोमिन के लिए ज़रूरी है कि इस रात में अल्लाह को खूब याद करें, अपनी तकदीर को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। यकीनन आपकी दुआओं से अल्लाह चाहें तो हमारी तकदीरें आपकी तकदीरें बदल सकती हैं और एक साल सुकून और इत्मीनान का, खैर और बरकत का, अल्लाह के रहमतों का यकीनन गुजरेगा। इसलिए आज की रात को मामूली ना समझिए, बड़ी ही मुबारक रात है, बड़ी ही प्यारी रात है। वो बंदे जो अल्लाह से मांगते हैं अपनी झोली भर लेते हैं, अपना दामन भर लेते हैं, जो बंदे के सोकर आराम से रात गुजारते हैं साल भर परेशान रहेंगे, साल भर तकलीफ़ में रहेंगे, अल्लाह ताला उन पर रहम भी नहीं करेगा। लिहाजा चंद घंटे जाग लेना, अल्लाह को याद कर लेना, अल्लाह को राज़ी करना मर्दों के लिए औरतों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अपने बहुत सारी ज़रूरत के लिए घंटे घंटे खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं,
कभी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, कभी बस का इंतज़ार करते हैं, कभी किसी के आने का इंतज़ार करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, कैसे कैसे करते हैं छोटी एक ज़रूरत के लिए। लेकिन ये तो एक साल की ज़रूरत पूरी होने वाली है, तो हमको तो यकीनन इस रात को गनीमत जानना चाहिए और अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाना चाहिए। एक बात तो ये है कि हमारी तकदीरों के फैसले एक साल के लिए आज होने वाले हैं, और दूसरी बात यह है कि बंदे मोमिन हाथ फैला के अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस रात के अंदर बंदे मोमिन इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों का इबादत का सवाब नसीब फरमाते हैं। लिहाजा जो जितनी इबादत कर सके, तिलावत कर सके, नफिल नमाज़ें पढ़ सके, सब उसके लिए खैर व बरकत का ज़रिया है, लिहाजा इसको जानना चाहिए। और चौथी बात यह है कि अगर कोई बंदे मोमिन इस रात को पा लेता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। लिहाजा आज की रात दुआओं की रात है, तौबे की रात है, इबादतों की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की रात है, अपने गुनाहों को याद करके तौबा इस्तिग़फ़ार करने की रात है। लिहाजा आज की रात तौबा इस्तिग़फ़ार की रात भी है। बंदे मोमिन गुनाह करता है तो उसका गुनाह कितना बड़ा है वो अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन ये समझना चाहिए कि जो भी गुनाह किया वो अल्लाह जिसने उसको पैदा किया, खिलाया, पिलाया, पाला, पोसा, उसके साथ उसने गुस्ताखी की, बेअदबी की, उसकी बात को नहीं माना, ये ना समझो कि छोटा गुनाह है, नहीं, जिसके सामने तुमने गुनाह किया है वो कितना बड़ा है उसको सोचिए, जब चलकर आपको अल्लाह का डर पैदा होगा। सहाबे किराम से कभी कभी गलती हुई, अल्लाह ने उनको सज़ा दी, लेकिन तौबे की वजह से अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़िया पेश आया, एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई को कहते हैं तबूक की लड़ाई। तबूक एक जगह का नाम है जो जॉर्डन के पास, उर्दुन के पास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि 1 लाख से ज़्यादा, बाज़ रिवायतों से मालूम होता कि 3 लाख ईसाई जमा हुए हैं वहाँ और मदीने पर आकर हमला करना चाहते हैं, मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला मिली तो आपने फरमाया वो नहीं आएंगे मदीने को, हम जाएंगे उन पर हमला करने के लिए। जो लोग हमको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करेगा। चलो, सारे सहाबा से कह दिया कि हर आदमी तैयार हो जाए। पहले तो ऐसा था कि जो चाहते हैं आओ जिहाद के लिए, जो नहीं आना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब की लड़ाई में तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया हर एक को आना ज़रूरी, कोई भी हो, हाँ कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो, उसकी बात और है। तो सब सहाबा तैयारी करने लगे। इससे पहले ऐसे होता था कि अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते थे, ये नहीं बताते थे कहाँ जाना है, किससे लड़ना है, जिहाद को जाना है जी, लेकिन इस मरतबे आपने फरमा दिया तबूक जाना है और वहाँ बहुत बड़ा लश्कर दुश्मनों का है, उनसे मुकाबला करना है। ये सारी बातें बता दें, सहाबा तैयारी करने लगे। सख्त गर्मी के दिन, बड़ी सख्त गर्मी, और मदीने की गर्मी जानते हैं जो लोग मदीने में रह चुके हैं, बहुत सख्त गर्मी। हम तो इस साल हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 43-40 पर 3 डिग्री गर्मी पड़ी, हम लोग तड़प गए। वहाँ तो 50 से ज़्यादा, 52-53, 10 डिग्री और भी ज़्यादा हो जाती है, बहुत गर्मी के दिन। सितंबर का महीना आता है, खजूर पकने के दिन होते हैं, एक तो गर्मी और दूसरी तरफ खुशी है कि खजूर पकेंगे, मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे, साल भर के लिए खाएंगे पिएंगे, ये दोनों ही बातें जमा थी। सहाबा सब निकले, अब खजूर भी पकने के दिन थे। एक सहाबी थे जिनका नाम था काब इब्ने मालिक, बड़े नेक, बड़े अच्छे, हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई में जाया करते, जिहाद में। हाँ, बदर की लड़ाई में नहीं जा सके थे वो,
वो और उनके साथ दो आदमी और हिलाल इब्ने उमैया और हिलाल इब्ने उमैया जी हाँ, और दो सहाबी और भी रह गए, बाकी मुनाफिकीन बहुत थे। ये तीनों आदमी जिहाद में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। काब इब्ने मालिक अपने लड़के को वाकया सुनाते हैं कि हम तीनों के साथ क्या पेश आया, सुनो। कहाँ के साहब, मैं तैयारी किया, मेरे पास बेहतरीन दो ऊँटनियाँ थीं, मैंने कहा कि मैं ज़रूर जाऊँगा और तैयारी किया। यहाँ तक के निकलने का दिन, रवाना होने का दिन आ गया, सब लोग निकल कर गए। मैंने सोचा भाई मेरे पास तो बेहतरीन सवारी है, शाम को निकलूँगा तो जाकर उनको पहुँच जाऊँगा उनके पास। शाम आ गई, गए नहीं। दूसरे दिन सुबह आई तो अरे कहा कि साहब लेट हो गया, अब तो जाना चाहिए। फिर भी कहा कि नहीं, शाम को जाएंगे जी, बस दौड़ाएंगे ऊँटनी को, जाकर उनके साथ मिल जाएंगे। ऐसे ही करते करते दो दिन गुजर गए। तीसरे दिन उन्होंने सोचा अरे अब तो बहुत देर हो गई, जाएंगे तो मिलेंगे भी नहीं अल्लाह के रसूल का लश्कर, तो दूर निकल गया। बहुत लोग थे, सहाबा भी 40,000 थे कि 30,000 थे, कितने थे, कोई दफ्तर कोई रजिस्टर तो नहीं था कि सब लिखा जाता, हाजिरी ली जाती। बहरहाल पहुंच गया। अब इनको बड़ी फिक्र हो गई। जब उसको मालूम हुआ दुश्मन को, जो 3 लाख की तादाद में जमा था, कि अल्लाह के रसूल आ रहे सहाबा के साथ, भागा वहाँ से, हिम्मत नहीं हुई। 30,000 40,000 वो थे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख थे, हिम्मत नहीं हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी मदद की, मैं जाता हूँ तो दुश्मन के दिल में रोग बैठ जाता है। 1 महीना है जाने, जब ही से दुश्मन डरने लगता है। ये भी अल्लाह का कड़ा बड़ा करम अल्लाह के रसूल के साथ। भाग गया वो, गए अल्लाह के रसूल। 18 दिन गए सफ़र करके, गए तो मैदान खाली, कुछ भी नहीं। फिर वह अल्लाह के रसूल ने कहा, रहो जी यहाँ 3 दिन, देखेंगे कोई दुश्मन आता है क्या मुकाबला करने के लिए, कुछ नहीं। वहाँ एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे सहाबा के साथ, पूछे वो काब नहीं आए क्या जी, काब बिन मालिक नहीं आए क्या? ओ बनू सलमा के आदमी ने कहा, उन्हीं के ख़ानदान के, वो क्यों आएगा अल्लाह के रसूल, वो तो बस अपनी कमीज झाड़ते रहता है और ठीक करते रहता है, वो क्यों आएगा? यानी मतलब है कि बेपरवाह आदमी है, उसको क्या पड़े। फौरन दूसरे आदमी ने कहा, ऐसी बात नहीं करना जी, नेक आदमी है, अच्छे आदमी हैं, वो नहीं आए तो अल्लाह के रसूल को मालूम, अल्लाह बताएगा क्यों नहीं आए। खैर अल्लाह ने कहा ठीक, अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक ही रहा। दूर से कोई आदमी आ रहे, धूल उड़ रही है, एक आदमी की तरह मालूम होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू खैसम आए क्या जी? हाँ, देखा तो थोड़ी देर के बाद अबू खैसम एक सहाबी आ गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वहाँ रह के, चलो भाई दुश्मन तो आएगा नहीं, वापस जाएंगे। वापस आने लगे, इनको इत्तला मिलती थी काब इब्ने मालिक और उनके दोनों साथी को कि अल्लाह के रसूल वापस आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जब जिहाद से वापस होते, घर को जाने से पहले मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ते, लोग आकर मिलते और उसके बाद अल्लाह के रसूल घर को जाते। आए मस्जिद में बैठे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन 70 मुनाफिकीन आए। अल्लाह के रसूल, मुझे बुखार था, मेरी बीवी का मसला ऐसा था, घर का की हिफाजत का मसला। अच्छा जी जाओ, अच्छा जाओ जाओ। काब बिन मालिक आए तो अल्लाह के रसूल ने उनको गुस्से से देखा। अच्छा क्या जी, क्या तुम्हारा क्या किस्सा है? बैठ गया अदब से, कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे बोलने का बहुत ढंग है, बहुत बेहतरीन बोल सकता मैं। अगर दुनिया के किसी भी आदमी के पास बैठकर मैं बोलता तो जीत जाता, लेकिन आपके पास झूठ बोलूँगा कभी बचूँगा नहीं। अल्लाह फौरन मालूम कराएगा झूठा है, मैं सही बोलता हूँ अल्लाह के रसूल। मेरे पास कोई उज़ुर नहीं था, मैं तैयारी किया था, शैतान ने मुझे बहका दिया, नहीं आया, कहा उठ जाओ यहाँ से, चले गए। अब लोगों ने कहा, अरे तुम जाके अल्लाह के रसूल से बोलते कि मेरे साथ भी ऐसा था, बीमारी थी, फुला था, बाद में जाके अल्लाह के रसूल से माफ़ी चाह लेते ना, ऐसा नहीं क्यों किया। ऐसे लोग बोलने लगे उनको, तो फिर अल्लाह के रसूल ने थोड़ी देर के बाद बता दिया
काब बिन मालिक से कोई बात नहीं करना जी, हिलाल इबन उमैया से कोई बात नहीं करना, मरारा बिन रबी से कोई बात नहीं करना। वो तो 70 के करीब मुनाफिकीन थे, तो उनको कुछ भी सज़ा नहीं, झूठ बोले ना उनको अल्लाह ने सज़ा दी, झूठे कहा उनको, बदतरीन लोग कहा, सच बोलने वालों का इम्तिहान ऐसे भी होता है। अब सब मदीने में कोई भी बात करने वाला नहीं, वो दोनों ज़रा बूढ़े थे, घर में बैठ कर रोते रोते रहते थे, ये जवान थे, घर में कैसे बैठते, जाते आते इधर उधर देखते, कोई बात करने वाला नहीं, सलाम करते तो जवाब भी देते क्या, मैं समझ में नहीं आता। यहाँ तक के वो देखे एक दिन नमाज को आते हैं, नमाज पढ़ते देखते, सलाम वालेकुम, अल्लाह के रसूल के होंठ हलते क्या, वालेकुम अस्सलाम बोलते क्या, कुछ भी नहीं मालूम होता। बहरहाल ये हुआ कि साहब ऐसे ही कोई बात करने वाला नहीं मदीने में, बड़े परेशान। एक दिन इनको ख्याल आया कि भाई मेरा चचेरा भाई है अबू कतादा, बहुत प्यारा, बाग में होगा, अकेला अकेला जाके उससे बात करूं, कोई नहीं बात करते ना मदीने में, बीवी है घर में और कोई नहीं। किसी तरह बाग के अंदर गए, देखे तो अबू कतादा वो खजूर के दरख्तों को पानी दे रहे हैं, जाके अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिए नहीं दिए मालूम नहीं। कहा अबू कतादा क्या तुमको यकीन नहीं किया कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चाहता हूँ, कुछ जवाब नहीं। और एक बार बोले, और एक बार बोले, उन्होंने कहा अल्लाह और रसूल वाला जाओ जी, इससे बात करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मालूम। रोने लगे, या अल्लाह इतना प्यारा दोस्त मेरा, रिश्ता इतना करीब का, सलाम का जवाब भी नहीं, और मैं जब पूछा तो उसका जवाब ऐसे देता है। बहरहाल उसी तरह वापस आए, किसी तरह वो आए तो मार्केट में एक आदमी जो आया है शाम से सीरिया से, एक लेटर लाया है, बोलते हैं मैदुल्लिया काब बिन मालिक। काब बिन मालिक कौन भाई, मुसलमान तो बात नहीं करते ना, ये गुजर रहे हैं उन यहाँ से। एक आदमी ने कहा अरे वो है वो है, गए। अच्छा काब बिन मालिक आप हैं क्या? हाँ, हमारा बादशाह आपको यह ख़त दिया है, ये ख़त देखिए। काब बिन मालिक ख़त ले लिए, देखे पढ़ना जानते थे, खोल कर देखे तो लिखा है कि तुम्हारे सेठ, तुम्हारे बड़े आदमी तुमको बहुत परेशान करके रखे हैं मदीने में, वो ईसाई बादशाह। लिखता क्या है कि साहब तुम्हारे आदमी तुमको परेशान करके रखे हैं, मदीना एक ही बस्ती नहीं है, बहुत बस्तियाँ हैं, तुम मुल्क शाम को आ जाओ, हम तुमको वज़ीर बना देते हैं, तुमको पोस्ट देते हैं, तुमको अच्छी तरह रखते हैं। हजरत काब इब्न मालिक ने कहा ये भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। सीधा गए, उस ख़त को उठा के चूल्हे में डाला, बादशाह का ख़त, और आज फ्रेम करके लगा के रखेंगे, किसी का ख़त आ गया ले जा कर चूल्हे में डाले जी, वही उसका जवाब। कहा जाओ तुम्हारे बता दो कि साहब तुम्हारे बादशाह के ख़त की यही हमारे पास कदर है, हमारे प्यारे नबी क्या है हम जानते हैं। इस तरह वो थे, 40 दिन गुजरे, 40 दिन तक कोई नहीं बात करता जी मदीने में। अल्लाह अकबर, वज़ाखत अलैहिमुल अर्ज़ बिमा रहबत, मदीना उनके लिए तंग हो गया था, कोई बात करने वाले नहीं। 40 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, जाओ कहो कि तुम्हारी बीवी के साथ भी नहीं रहना। तो गए जाके कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तुम बीवी के साथ भी नहीं रहना, मैं तलाक दे दूँ बीवी को, वो सब नहीं मालूम, बीवी के साथ नहीं रहना, तुम बीवी को भेज दो बस। कहा अच्छा, बीवी से कह दिया चले जाओ। अब बीवी भी नहीं, 10 रात और गुजरे, 40 और अब 10-50 दिन गुजरे, कोई बात करने वाला नहीं। गम के मारे तौबा कर रहे हैं अल्लाह से, माफ़ी चाहते हैं, क्या गलती, अल्लाह के रसूल बोले जिहाद को आओ, नहीं आए ना, ये कोई मामूली बात है क्या, अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं माने। तौबा देखो आदमी हमेशा करते रहता है तो अल्लाह बड़ी से बड़ी गुना, बड़े से बड़े गुना को भी माफ़ कर देता है,
लेकिन आदमी का कोई हक मार के तौबा करेंगे तो नहीं। परसों हमने बता दिया था कि तौबे की शर्तें क्या हैं। 50 रातें गुजरी, फजर की नमाज अल्लाह के रसूल पढ़ाए, पढ़ा के देखे तो अल्लाह के रसूल का चेहरा खुशी से तमतमा रहा है। कहा कि देखो जी, अल्लाह ने इन तीनों की तौबा कबूल कर ली। सुनते ही सबको खुशी हुई, तौबा कबूल, तौबा कबूल। हर आदमी दौड़ता है जाके बताने के लिए उनको। उस दिन फजर की नमाज़ पढ़ के दूर थे, छत पर बैठे हुए अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, माफ़ी चाह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह। एक आदमी एक ज़रा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के बोला, काब बिन मालिक, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। समझ गए अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लिया, मुझे माफ़ कर दिया। एक आदमी आए, सब आकर उनको मुबारकबादी देने लगे। वो जो पहाड़ पर चढ़कर बोला ना, वो आदमी भी आया, पहचान गए, तुम बोले थे क्या पहाड़ पर चढ़ के? हाँ, फर्स्ट सबसे पहले तुम्हारी आवाज़ आई थी, मैं तुमको इनाम देना चाहता हूँ। क्या था इनाम उनके पास? ऊँटनियाँ भी थी, सब कुछ था। उस ज़माने में कपड़ा देते थे इनाम के तौर पर, कपड़ा देते एक बड़ा इनाम होता था, एक नीचे का कपड़ा एक ऊपर का कपड़ा। अब वो निकाल कर दिए तो नंगे हो जाएंगे, दूसरा कपड़ा उनके पास नहीं। उन्होंने बाजू के आदमी से दो कपड़ा लिया, पहन लिए, ये कपड़ा निकाल के उनको इनाम दे दिया। शायद जाओ जी ये तुम्हारे वास्ते इनाम है, कपड़ा भी बहुत बड़ी चीज़ ना। अब सीधा अल्लाह के रसूल के पास गए तो देखा कि अल्लाह के रसूल खुशी के मारे आपका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ है। जाके सलाम किया अल्लाह के रसूल को, सहाबा सब बैठे हैं, मुबारक मुबारक। हजरत अबू हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह आकर मुआनखा कर ली। इससे मालूम होता है कि खुशी के मौके पर गले मिल सकते हैं, लेकिन रस्म नहीं बना लेना कि साहब ईद का दिन है, चलो सब गले मिले हैं, ऐसा नहीं है। खुशी के मौके पर कोई इम्तिहान हो गया, कोई पास हो गया, कोई सफ़र से आया, दोस्त अहबाब गले मिल लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझना कि ईद के दिन गले मिलना चाहिए, ऐसा ना समझे मेरे भाई। कोई मिल लेते हैं तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ईद का एक चीज़ बना लेना, रस्म बना लेना, ये बिदअत हो जाती है, इसका ख्याल कीजिए। कभी नहीं भूलते थे। काब बिन मालिक के ये तलहा मुझे आकर मिले, मुबारकबादी दिए मुहाजरीन में से। बहरहाल पूछा, अल्लाह के रसूल ये तौबा आपकी तरफ से कि अल्लाह की तरफ से? का अल्लाह की तरफ से जी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तौबा नाजिल की और सूरह तौबा की आयतें भी पढ़कर सुनाई। अब इनको इतनी खुशी हुई कि या अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल किया, मैं क्या करूँ? सौबे में अल्लाह के रसूल, मेरे पास जो कुछ है अल्लाह के रसूल, मेरी ज़मीन वमीन सब मैं अल्लाह के रास्ते में दे देना चाहता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लिया, कितनी खुशी होती है तौबा से। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है सब ना दो, अपने वास्ते थोड़ा रख लो। सखावत करे तो भी घर वालों को भूल कर पूरा उठा कर नहीं दे देना, जाकर मार कर खड़े हो गए गली में, भाई खाने दो, पीने दो, चाय पीने दो, रोटी खिलाओ, बीवी भूखी है, बच्चे भूखे, आने ऐसे नहीं रहना। घर के वास्ते बचा के रखो, बाकी सदका खैरात करो। देखो तौबे का वाकया कि तौबा बंदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, लिहाजा आदमी को तौबा करना चाहिए, अपने गुनाहों को याद करना चाहिए। गुनाहों को याद करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर लेगा, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो हम भी अल्लाह के चहेते बन जाएंगे, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, परेशानी में याद करेंगे तो अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करेगा, ज़रूरतों में अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा, हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा। ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह ही है, कोई दूसरी ज़रूरतें पूरी नहीं करता। लोगों ने समझ लिया कि फ़लाँ दरगाह वालों को इख्तियार है, फ़लाँ पीर साहब को इख्तियार है, फ़लाँ का नाम लेंगे या गौस अल मदद कहेंगे तो हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी, या अली अल मदद कहेंगे तो अली की मदद आ जाएगी। लोगों ने शिर्क को दुआ समझ लिया, दुआ करते हैं तो गुनाह करते हैं, ये दुआ तो शिर्क हो गई। मांगो तो अल्लाह ही से मांगो, इकरार तो करते हो हर रकात में, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, अल्लाह तुझी से मदद चाहते हैं,
तेरी ही इबादत करते हैं, मुसीबत आई तो मदद चाहते हैं, दरगाह से भी, मरे हुए लोगों से भी, फुला से भी, फुला से भी। लिहाजा बंदा अगर अल्लाह से मांगे, तौहीद पर कायम रहे, तो अल्लाह ताला उसको यकीनन उसकी दुआ कबूल करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो आज की रात मैंने कहा इबादत की रात है, तौबे की रात है, मस्जिदों को आबाद करने की रात है, घरों को आबाद करने की रात है, जागने की रात है। लेकिन क्या करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सब इस रात को जश्न की रात मना लेते हैं, लाइट जलाना और सब कपड़े पहनना और सब शेविंग करना और सब बूंदी और मिठाई खाना, फुला करना, ऐसे लोग समझ जाते हैं। बाज़ लोग तो अच्छे इरादे से गलत काम करते हैं, बाज़ लोग समझते हैं फरिश्ते आएंगे, तकदीर लिखेंगे, गलियों में किरात हो, तकरीरें हो, तो रिकॉर्ड डाल के छोड़ दिया कुरान मजीद, गलियों के अंदर लाइट, किरात हो रही है, ये कुरान की तौहीन है। अल्लाह का कलाम आप पढ़कर समझें, उसको बाज़ार में गलियों में रिकॉर्ड डाल कर छोड़ेंगे तो गुनाह है मेरे भाई। आप सवाब समझ के करते हैं ना, नहीं सवाब नहीं है मेरे भाई, ये गुनाह होगा, अल्लाह के कलाम की बेहुरमती होगी। कुरान तो कहता है वइज़ा क़ुरिया अल-क़ुरान फ़स्तमिऊ लहु, कुरान पढ़ा जाए तो अदब से बैठकर सुनो। कौन अदब से बैठकर गली में सुनता है जी, रोड में बसें जाती हैं, टू व्हीलर जाते हैं, ऑटो जाते हैं, शोर होता है, हंगामा होता है, और ये लोग भी बातचीत करते हैं ना, खाली आवाज़ आती रहती है। ये कुरान की तौहीन है, लिहाजा इसे नहीं करना चाहिए। शादी के मौके पर भी हम देखते हैं, दूसरे जलसे के मौके पर भी हम देखते हैं, ज़रा प्रोग्राम लेट है, खिरात डालो, खिरात डालो। अरे इतना बड़ा गुनाह करते हैं, खिरात डालना सवाब का काम है क्या? ये तो गुनाह का काम है ना, क्यों खिरात? वही एक चीज़ मिली क्या तुमको, अल्लाह का कलाम मिला क्या, बेहुदा बात समझते क्या उसको? नहीं डालना मेरे भाई ये किरात वगैरह, मजलिस में अदब के साथ कोई कुरान पढ़ता है तो सुने, इतना ही। प्रोग्राम में सब कुरान किरात डालना, और एक मरतबे किरात डालो, लोग जमा हो जाएंगे, या एक साहब आज शब कदर है, कुरान डालो गलियों में, रोडों में, ये सब ठीक नहीं है। अच्छी नीयत से करते हैं लेकिन मालूम ना हो तो फिर गलत काम करते हैं अच्छी नीयत से, तो लिहाजा अल्लाह उनके अमल को कबूल नहीं करेगा। इसीलिए इल्म बहुत ज़रूरी है, दीन की बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, बाद में अमल करना चाहिए। जैसा कि सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने कहा फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिका, पहले इल्म हासिल करो फिर तौबा करोगे तो अल्लाह तौबा भी कबूल करेगा। तो लिहाजा आज की रात को बहुत सारे लोग घूमने फिरने की, शोर करने की और चीखने चिल्लाने की रात समझ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आज की रात है तौबे की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है, अपने गुनाहों को याद करने की रात है। गुनाह को याद करेंगे तो यकीनन गुनाह याद आएंगे। एक बहुत बड़ा जो हम गुनाह करते हैं उसको कहते हैं जुल्म। जुल्म का लफ्ज़ सब कहते हैं, ये क्या बेहतर जुल्म करते हैं, जुल्म जुल्म बोलते हैं जुल्म को, तो ये क्या चीज़ है? जुल्म का मतलब होता है किसी का हक़ मारना, किसी का हक़ छीनना, किसी के साथ बेइंसाफी करना, इसको जुल्म कहते हैं अरबी में। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं मालिज़ालिमीना मिन हमीमिम वला शफीउ युता, क़यामत के दिन ज़ालिमों की कोई भी मदद करने वाला, कोई भी उनको बचाने वाला नहीं होगा। मालिज़ालिमीना मिन अंसार, क़यामत के दिन ज़ालिमों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा ज़ुल्म बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है इत्तक़ुज़्ज़ुल्म, लोगों ज़ुल्म से बचो, फ़इन्ना ज़ुल्मा ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, ज़ुल्म क़ियामत के दिन अंधेरा लाएगा तुमको, रोशनी नहीं मिलेगी। वत्तक़ुश्शुह, हिर्स से बचो, कंजूसी से बचो, ज़्यादा दौलत जमा करने की ख्वाहिश से बचो। तो इन्नहु अहलका मन काना क़ब्लकुम, पहले जितने लोग थे पैसे की वजह से, दौलत की वजह से, दुनिया कमाने की वजह से,
बहुत सारे लोगों को सताए, किसी को कत्ल करे, किसी को मारे, लिहाजा दोनों चीज़ों से बचो, जुल्म से भी बचो और उसी तरह बेजा हिरिस से भी बचो। ये हमारे प्यारे नबी ने फरमाया। लिहाजा हमको जुल्म से बचना चाहिए। जुल्म ये ना समझिए कि साहब कोई बहुत बड़ा गुनाह करे तो जुल्म, नहीं, छोटा गुनाह करे तो भी जुल्म है। एक मर्तबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान का माल एक मुसलमान अगर नाजायज तरीक़े से ले लेता है तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी वजह से उसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल को छोटी चीज़ उठा लिए, छीन लिए अपने भाई की, उठा लिए तो वो भी क्या, वही का ना कभी बमिन अराक मिसवा खनी, वो मिसवा कुत्ती चीज़ भी अपने भाई के ले लिए तो ये भी जुल्म है। अब मिसवा की क्या वैल्यू है भाई, नीम की मिसवा, कोई भी नीम की काढ़ी दांत को उठा कर डाल दिए, वो उतनी भी अपने किसी भाई के उठाए हैं, वो हो सकता है कि साहब 10 पैसे 20 पैसे की हो, वो भी बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जुल्म से बचो, अपने भाई का कोई भी एक मामूली से मामूली पैसा भी तुमको जायज़ नहीं है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमको ताकीद की है अदल इंसाफ करने की। एक मरतबे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलुल गनी ये जुल्मुन, एक आदमी को एक आदमी से हमने कर्ज लिया, भाई देखो हम आपको जुलाई की 20 तारीख को ये कर्ज़ वापस कर देते हैं। जुलाई की 20 आ गई, कहाँ भाई, जाओ जी देंगे, है देने के वास्ते पैसा, देता नहीं है, कहीं जुल्म है। कितने लोग ऐसे हैं ना, कर्ज लिए हैं, देने की हैसियत भी है, देते नहीं हैं। क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी कर्ज लेता है और इस नीयत से लेता है कि मैं इसको अदा करूँगा, तो अल्लाह ताला अदा करने के लिए आसानी पैदा करता है, कहीं ना कहीं से उसको आता है, फौरन कर्ज़ देता है। अब उसका एतमाद भरोसा रहता है, जब भी कर्ज़ मांगता है लोग देते हैं, इसलिए कि कर्ज़ वापस करता है। लेकिन दिल में चोर है कि उसे कर्ज़ ले कर छुप जाएँगे, कहीं चले जाएँगे, नहीं देंगे, पूछेगा तो उसको जो डांटेंगे, तो उसको कर्ज़ अदा करने की सूरत होती ही नहीं। बाद में क्या होता है, कर्ज़ मांगने जाते हैं तो साहब ज़रा धमकी भी देता है, फलां भी करता है, तो कहा ये बहुत बड़ा जुल्म है, टाइम आ गया, तुम्हारे पास पैसा है, रोकना जायज़ नहीं, एक दिन के लिए भी, एक वक्त के लिए भी रोकना जायज़ नहीं। कैसे लोग थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर फरमाई, एक आदमी एक बस्ती को गया, किसी दूसरी बस्ती से, समझ लीजिए साहब मद्रास से कहीं गया, एक 40-20 किलोमीटर दूर गया, वहाँ कुछ चीज़ ख़रीदना थी, उसको पैसे कम हो गए। एक आदमी से कहा कि भैया आपके पास 100 रुपये हो तो दीजिए, मैं आपको फुला दिन वापस कर देता हूँ। भरोसा होता है ना लोगों पर, नेक लोगों पर हमेशा। उसने दे दिया, लीजिए साहब आपका। वो असल में बीच में नाला नदी थी, उस बस्ती को जाने के लिए कश्ती पर बैठकर जाना पड़ता था। टाइम आ गया इसके पास और 100 रुपया भी इसके पास है, अब ये कश्ती भी नहीं है जाने के लिए, तड़प रहा है, या अल्लाह मैं तो वादा किया ना उससे, अब क्या होगा अल्लाह। आखिर में उसके बाद समझ में आई, एक बांसा लेकर उसको अंदर से फोकल करना, सुराख करके वो 100 रुपये उसमें भर देना, भर के अल्लाह का नाम लेके छोड़ देना, अल्लाह ये अमानत उस कर्ज़ वालों को पहुंचा दे, अल्लाह छोड़ दिया। अब वो आदमी उस दिन आके बराबर इंतज़ार कर रहा है, भाई वो कर्ज़ देने वाला कहाँ, बराबर तो वक्त हो गया, नहीं आया, नहीं आया। इत्तेफाक से एक लकड़ी उसको मिली तो लकड़ी उठा के ले गया घर को, तो उसको जो चेहरा तो पैसे निकले उसमें से और बराबर उसके पैसे हैं, अल्लाह अकबर। अब यह आदमी पैसा उठा कर ले गया, जो ही कश्ती मिली जाकर बोला, भाई कोई कश्ती नहीं आई, मैं बहुत परेशान हुआ, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं
एक पार्सल भी भेजा, वो अल्लाह दिया पहुंचाया कि नहीं मालूम है, ये 100 रुपया लग का नहीं, नहीं वो लकड़ी मुझे मिली, वो बराबर तुम्हारे पैसे मिल गए। लेने वाले को देने वाले को कितनी फिक्र होती थी, आज हम में से कितने लोग हैं कि लोगों से कर्ज लिए हुए हैं देते नहीं हैं, ये माफ़ होगा क्या? देखो बहुत बड़ा गुनाह किसी का पैसा लेकर ना देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बहुत शिकायतें आती हैं, कर्ज लिए दिए नहीं, कर्ज लिए दिए नहीं, पूछने जाते हैं तो टाल मटल करते हैं, हालांकि खाते पीते मज़े से हैं, हमारा कर्ज नहीं देते, देना होगा 25 रुपये 100 रुपये, खाते 200 रुपये का होटल में जाकर इधर उधर, देते नहीं, मुफ्त का माल समझते कर्ज को। इसलिए मैं ये सब बातें कहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आकर बोले अल्लाह के रसूल मैं जिहाद को गया, जाकर अल्लाह के रास्ते में लड़ा, आगे बढ़ा, दुश्मनों को मार के शहीद हो गया, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देगा क्या अल्लाह के रसूल? अच्छा, जिहाद को गए और अल्लाह के लिए जिहाद किए और दुश्मन को कत्ल करें, आगे बढ़े और अल्लाह के रास्ते में जान दे दिए, हाँ अल्लाह के रसूल आज ही तुम्हारे गुनाह सब माफ़। थोड़ी दूर गए थे, ए इधर आओ जी, क्या कैसा बोले? अल्लाह के रसूल मैं जिहाद को गया, दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ, आगे बढ़ा और साहब दुश्मन को कत्ल किया, दुश्मन मुझे मार दिया, मैं मर गया, ख़त्म हो गया, तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे क्या अल्लाह के रसूल? हाँ जी माफ़ हो जाएंगे, कर्ज अगर लिए हैं तो माफ़ नहीं होंगे। देखो कर्ज 5 रुपया 10 रुपया कैसे से इतना बड़ा काम किए, जिहाद किए, दुश्मन को कत्ल किए, अल्लाह के रास्ते में निकले, जान भी दे दिए, लेकिन कर्ज लिए थे ना, कर्ज माफ़ नहीं होता। अल्लाह के रसूल का नहीं, तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं होंगे जी। देखो आज कितने लोग हैं कर्ज लेके देते नहीं हैं, औरतों से भी शिकायत मिलती है, मर्दों से भी शिकायत मिलती है, आखिर में आकर एक फतवा पूछते हैं, मौली साहब बात ऐसी है कि एक आदमी मेरे पास कर्ज लिए देते ही नहीं, मौली साहब कितना बोले तो भी, मैं ज़कात देना है, मैं वो ज़कात के पैसे निकाल कर उनका कर्ज बोलकर मैं इस्तेमाल कर लूँ क्या? नहीं ना जी, जायज़ नहीं है ना, तुम उनको देना चाहिए, देकर वो वापस करे तो वो तुम्हारे लिए जायज़ है, खाली उनका नाम बोलकर वो पैसा उधर देकर इधर डाल लिए तो जायज़ नहीं ना जी। क्या करेंगे, मांगते मांगते थक गए, देते नहीं हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि ज़कात को किसी तरह कन्वर्ट कर लें क्या? यहाँ सब कन्वर्ट नहीं होता मेरे भाई, तो देने वालों को सोचना चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया कर्ज माफ़ नहीं होता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इस दुआ करते थे हमेशा, अल्लाह मुझे कर्ज से बचा, अल्लाह मुझे कर्ज से बचा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कर्ज से आप कितना क्यों डरते? अल्लाह के रसूल कहा नहीं जी, ये बहुत बड़ा गुनाह है, आदमी जब कर्ज लेता है तो उसके बाद झूठ भी बोलता है, उसका ईमान भी चले जाता है झूठ बोलने की वजह से और कर्ज लेके धोखा देने की वजह से, इसलिए मैं कर्ज से पना मांगता हूँ, कर्ज बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह के रसूल कभी कर्ज भी लिए तो फौरन देने की सोचते कि साहब इसका क्या इंतज़ाम होगा। कर्ज लेने वालों को ये भी सोचना चाहिए अगर मैं मर गया तो क्या होगा, अपने लिए कुछ छोड़ कर गया तो ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मामूल ये था, शुरू में कोई भी जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ाते, पूछते अल्लाह के रसूल ये आदमी किसके पास तभी कर्ज लिया है क्या? हाँ अल्लाह के रसूल कर्ज लिए हैं। कर्ज देने के वास्ते छोड़ कर गए क्या? कहते भी नहीं अल्लाह के रसूल, क्या भी नहीं, जाओ जाओ मैं नहीं पढ़ाता, देखो मैं नहीं पढ़ाता इनकी नमाज जनाजा, तुम पढ़ो जाओ, ऐसा होता था। एक मरतबे एक जनाजा आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये किसी के पास कर्ज लिए हैं क्या जी? हाँ अल्लाह के रसूल 3 रुपया कर्ज लिए हैं, मैं नहीं पढ़ा था, जाओ, छोड़े भी नहीं कुछ भी 3 रुपये के वास्ते और कर्ज भी लिए। फौरन एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं ये 3 रुपया दे देता हूँ, अब पढ़ाइए, जिम्मेदारी तुम्हारी, कबूल कर लिए, देंगे 3 रुपया
हाँ अल्लाह का रसूल दे दूँगा। अल्लाह का रसूल नमाज़े जनाजा पढ़ा दिए, एक दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद वो साहबी मिले, क्या जी उनका 3 रुपया दे क्या? नहीं अल्लाह का रसूल अभी दिया नहीं। हाँ तुम जो है यहाँ उनका देर कर रहे हो, लेट कर रहे हो, जल रहे आग में वो, कर्ज लेकर गए नहीं। साहबी जी, कोई मुनाफिक नहीं, काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, फलानी, साहबी कर्ज लेके मर गए ना, उनका क्या अंजाम हुआ? तड़प रहे हैं आग में। कहा तुम ले लिए जिम्मेदारी कि मैं दूंगा, अभी दिए नहीं, तड़प रहे हैं वो आग में। जाके फौरन 3 रुपया देकर आकर बोले अल्लाह के रसूल दे दिया। अल्लाह के रसूल का अल आना बरुदत जिल्दत हो, अब उनकी चमड़ी ठंडी हुई, आग से अल्लाह ने उनको बचाया। देखो कर्ज इतना है मेरे भाई, ये कितना बड़ा जुल्म है कि कोई किसी के पास कर्ज ले ले और उसको ना दे, ये भी जुल्म है मेरे भाई। जुल्म की कितनी सूरतें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, हम उनका ख्याल नहीं करते, अपने हों के दूसरे हों, जुल्म जुल्म है। कभी ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन का टिकट लेने के लिए क्यू में खड़े हुए हैं, कोई बीच में आकर घुस गया, जाकर टिकट ले लिया, जुल्म हुआ ना, अल्लाह माफ़ करेगा क्या? इतने लोगों को छोड़ के बीच में जाकर टिकट ले लिए, बहादुर बन गए, पहलवान बन गए। अरे ये जायज़ है क्या तुम्हारे वास्ते? जायज़ नहीं ना। उसी तरह समझे कि राशन की दुकान के मुतल्लिक भी मालूम हुआ कि सब बहुत सारे लोग क्यू में खड़े रहते हैं, कोई भी एक दो आदमी आते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा करके जाके पहले ले के चले जाते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा कमाल कर दिया। हाँ जल्दी से बस इधर घुसा उधर घुसा और सबका, अरे जुल्म हो गया ना जी, अपने भाई के वो बारी से तुम पहले चले गए, उनके पास ले लिए, ये जायज़ है क्या तुम्हारे वास्ते? ये जायज़ नहीं ना, कितना जुल्म होता मेरे भाई, इन सब का ख्याल करना चाहिए। कभी तो ऐसा होता है कि सब किसी को हमने गाली दे दी, कुछ भी कर दी, समझते भी नहीं कि सब ये जुल्म है, अल्लाह क्या इसका जवाब देना है, और शैतान मजीद आता है और ज़्यादा गुस्सा आता है, ये क्या जुल्म नहीं है क्या? जुल्म है मेरे भाई, छोटे छोटे गुनाह जब बड़े हो जाते हैं तो क़ियामत में बहुत बुरा अंजाम होता है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का वाक़िया सुनाया कि क़ियामत के साथ उसके साथ ऐसा होगा, वो ऐसा आदमी का बेहिसाब नमाज रोज़ा सब किया सब किया, लेकिन लोगों को सताया था, किसी की ज़मीन हड़प लिया था, किसी का कुछ कर लिया था, क़ियामत के दिन आएगा बेहिसाब नेकी के दफ्तर, नमाज के 100 दफ्तर होंगे, ज़कात के 100 दफ्तर होंगे, हर आदमी देख के कहा अल्लाह अकबर कितना नेक आदमी है भाई, कितना सवाब मिलेगा। आके खड़ा होगा तो हिसाब, लोग आएंगे क्या जी खिस्सा तुम्हारा? अल्लाह के रसूल मेरी ज़मीन 2 इंच उठा लिया। अल्लाह के रसूल अच्छा दो जी इसको एक दफ्तर दे दो, उठा के ले गया 2 इंच ज़मीन, 3 इंच ज़मीन के लिए नेकियों का दफ्तर ही चला गया। एक और आदमी आएगा वो कहेगा अल्लाह के रसूल मुझे मारा, अल्लाह के रसूल एक और दफ्तर दो जी, देते 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 पूरी नेकियाँ ख़त्म होंगी, पर मांगने वाले भी बाकी होंगे, इसके गुनाह उठा के उनके सर पर डालेंगे और यह जो नेक आदमी था उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। ये जुल्म का नतीजा देखिए, छोटे छोटे गुनाह बढ़ के पहाड़ बन जाते हैं। लिहाजा तौबे की रात का मतलब यही होता है, हमने अगर किसी भाई को सताया है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी का हक छीना है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो हमसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, अपने दिल को साफ कर लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत के दिन तुम में से हर एक आदमी को हक अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, दुनिया में नहीं दिए ना क़ियामत में छीना जाएगा। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सींग वाली बकरी, बग़ैर सींग वाली बकरी को मारी है, क्या होता है? होता ऐसा है कि सब चारा है, 2-3 बकरियाँ आए जल्दी जल्दी खाने के वास्ते, एक बकरी को सींग थी, अब वो दूसरी बकरी खा रही थी ना, सींग से मार के उसको भगा देती, ये बकरी खाती। जानवरों का किस्सा ना, पेट के वास्ते मारते भी हैं, सब करते हैं ना। अल्लाह ताला इन दोनों बकरियों को क़ियामत के दिन उठाएगा, सींग वाली बकरी को भी, बग़ैर सींग वाली बकरी को भी। हालांकि जानवर उनके लिए हिसाब किताब कुछ भी नहीं,
अकल शोर कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह का इंसाफ इतना बड़ा होगा कि दोनों को ज़िंदा करके ये जो बग़ैर सींग वाली बकरी थी ना उसको सींग देगा, मार इसको, मारेगा, उसके बाद दोनों बकरियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह इतना बड़ा इंसाफ करने वाला, लिहाजा छोटी बात को भी आप छोटी ना समझें, क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। जुल्म से तौबा नहीं करें हमारी इबादतें कोई काम नहीं आएंगी। शबे कदर कितनी शबे कदर मिली होगी, सबकी कदर ख़त्म हो जाएगी अगर हमने जुल्म किया है, अल्लाह से तौबा नहीं किया है, बंदों से माफ़ी नहीं चाहिए, उनका हक अदा नहीं किया है, शबे कदर काम नहीं आएगी। सिर्फ नेकी करना कमाल नहीं, गुनाहों से बचना बहुत बड़ा कमाल है, लिहाजा नेकियां कम हो तो हों लेकिन बुराइयां बिल्कुल ना हो मेरे भाई, ये कि एक बुराई तो कितनी नेकियों को खा जाती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से हम सबको मना किया है, जालिमों को इसका भी ख्याल करना चाहिए। माँ बाप को सताना बहुत बड़ा जुल्म है, इसकी वजह से बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं। एक आदमी ने पूछा मुझसे कि साहब मैं ज़रा छोटा था तो बहुत सताता था अम्मी को, तो अम्मी ने हमेशा मुझसे ये कहा तू कभी अच्छी ज़िंदगी खुशी की ज़िंदगी नहीं जिएगा। अब माँ के ज़बान से निकल गया कि तू कभी खुशी की ज़िंदगी नहीं गुजरेगा। कहा कि मैं शादी किया, बीवी बच्चे सब हैं, मैं बिजनेस कितना करता हूँ सब फेल होता है, क्या क्या करता हूँ सब फेल होता है, बहुत परेशान हूँ। मुझे हमेशा याद आता है कि साहब मैं माँ को सताया और माँ ने बद्दुआ की, मैं जुल्म किया, उसका मुझे बदला मिल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अब मैं क्या करूँ, वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं कैसे माफ़ी चाहूँ। मैंने कहा सदका खैरात करो तुम्हारी वालिदा की तरफ से और हमेशा उनके लिए दुआ करते रहो, हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके बद्दुआ को वापस कर दे, फिर तुम्हारी हालत अच्छी हो जाए। फिर मैंने पूछा कि साहब देखो तुम किसी का कर्ज लिए हो क्या, व्यापारी लोग तो कर्ज लेते हैं ना। उमर साहब कर्ज लिया, अब देने की हैसियत नहीं है। मैंने कहा लेते वक्त हैसियत थी और देते वक्त हैसियत नहीं है। कहा कि कभी तुम कामयाब नहीं होगे, कर्ज अदा करोगे तो फिर तुम्हारा कारोबार कामयाब होगा। जुल्म का बदला दुनिया में भी मिल जाता है, कभी आदमी को परेशानी आती है, बीमारी आती है, उसका कारोबार ख़त्म होता है, सब सोचना चाहिए हमने जुल्म किया है क्या, अगर किया है तो ठीक है, अल्लाह से माफ़ी चाहें तो अल्लाह मुसीबतों को परेशानियों को दूर करेगा। हमेशा लोगों की मदद करने सोचना सिवाय लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। बाज़ मरतबे ऐसे होता है कि हम कोई व्यापार कर रहे हैं, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, कोई दूसरा आदमी उसी मोहल्ले में लाके कोई वही व्यापार शुरू करे तो फौरन गुस्सा आता है। भाई ज़मीन अल्लाह की है, जो भी व्यापार करना चाहे तो तुमको क्यों तकलीफ़ होती है। लेकिन हमने बाज़ लोगों को देखा जैसे मारवाड़ी लोग वगैरह होते हैं ना, एक दुकान लगाते हैं तो 10 आदमी को बुला के और दुकान लगाते हैं, आओ आओ बहुत अच्छा व्यापार है, उनके अंदर वो जज्बा है, मुसलमानों के अंदर वो जज्बा नहीं है। हमारी दुकान हमारा व्यापार चला जाएगा, दूसरा दुकान नहीं खोलना, दूसरा आदमी नहीं आना, इस मोहल्ले के अंदर नहीं आना, ये सब जुल्म है ना। लिहाजा बंदों पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए। अब ये तो पूरा जुल्म हुआ, बीवी के साथ कोई जुल्म करता है या बीवी शौहर के साथ जुल्म करती है, वो सब भी जुल्म है, उनका हक अदा ना करना, उनकी कदर ना करना, उनके साथ बुरा सलूक करना, ये सब भी जुल्म है। आप सोचेंगे ना बैठ के कितने गुनाह याद आएंगे, साहब मैं फलां को सताया, फलां को गाली दिया, फलां को मारा, फलां का पैसा हड़प कर लिया और फलां के साथ ऐसा बुरा सलूक किया या कि फलां को गाली दे दिया, सब बहुत गुनाह याद आएंगे। वही सब याद करके तौबा करने की बात है, सोचेंगे क्या गुनाह किए, कुछ भी गुनाह नहीं किए, मालूम होगा फरिश्ते हैं आसमान से उतर के ज़मीन पर आ गए, एकदम साफ सुथरे, ऐसा होता है। लिहाजा गुनाह तो बहुत होते हैं ज़िंदगी में, उनको याद करना चाहिए कि हमने क्या क्या गुनाह किया है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा कि जिसमें हमारे गुनाह ना हुए हों, बहुत सारे गुनाह हुए होंगे लेकिन
समझना चाहिए कि वो गुनाह किया है, माफ़ी की रात है, अल्लाह से माफ़ी चाहना चाहिए, तौबा चाहना चाहिए, अपने गुनाहों को माफ़ करना चाहिए, ज़िंदगी में बरकत आएगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरेगी, कारोबार में भी तरक्की होगी, अल्लाह की रहमत भी हमारे शामिल हाल होगी। लिहाजा आज की रात तकदीर की रात है कि तकदीर अच्छी लिखाओ, दुआ करो अल्लाह से कि हमारे गुनाह सब माफ़ हो जाएँ, अल्लाह ताला खुशहाली नसीब फरमाइए भी दुआ करो। और आज की रात इबादत की रात है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। और दुआ के सिलसिले में आदाब मैंने बता दिए थे, उसी तरह नफिल नमाज और कुरान पढ़ते वक्त भी नींद आए तो मैंने कहा कुरान भी ना पढ़िए, नफिल नमाज भी ना पढ़िए, थोड़ी देर सो कर उठिए, फिर उसके बाद फ्रेश होकर अल्लाह की इबादत में लगिए, ऐसे होना चाहिए। लिहाजा आज की बड़ी प्यारी रात है, इसको गनीमत जानिए, हो सकता है आज ही शब कदर हो, इसलिए कि बाज़ रिवायतों से उबैय इब्न काब की रिवायत से मालूम होता है कि 27वीं रात ही शब कदर है, लिहाजा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हदीसों से मालूम होता है कि 21, 23, 25, 27, 29 इनमें से एक रात ताकरा थी शब कदर है, लिहाजा उसी का भी हमको एहतमाम करना चाहिए। बहरहाल तो सिर्फ दो पारे कुरान के रह गए, कल एक पारा, परसों एक पारा, पूरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। आपने माशाल्लाह बहुत वक्त दिया, रोज़ाना तरावी में हाजिर होते रहे, जमात के साथ खड़े होकर कुरान सुनते रहे, अब दो दिन दो तरावी रह गई है, आप इसका भी एहतमाम कीजिए तो फिर अल्लाह के यहाँ कुरान सुनने का भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। और कुरान सिफारिश करेगा अल्लाह से कि रात में इसको मैं जगा के रखता था कुरान सुनने के लिए, अल्लाह मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ, तो कुरान की सिफारिश भी हो जाएगी, रोज़े की सिफारिश भी हो जाएगी, और यह बहुत बड़ी सिफारिश है, इसका ख्याल करना चाहिए। तो बहरहाल आज के रात को गनीमत जानिए, इस रात के अंदर जितनी इबादत कर से आप कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी और सारे मुसलमानों को भी शब कदर नसीब फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तौबे की तौफीक नसीब फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर करे, बीमारियों को दूर करे, जो लोग मरहूम हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला मुसलमानों के कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, हलाल तरीक़े से कारोबार करने की उन सबको तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला परेशानियों से सारे मुसलमानों को बचाए, अल्लाह ताला सबकी तकलीफ़ों को दूर करें। हमने जितनी इबादत की अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए, उसके अंदर जो भी कोताही हो गई थी अल्लाह ताला उन सबको माफ़ फरमाए, बाकी के रातों में बाकी के दिनों में जो रमज़ान के हैं अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए, रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी खैर व बरकत की ज़िंदगी और नमाज रोज़े की ज़िंदगी हो, अल्लाह ताला हमको मुसलमान बना कर रखे और इस्लाम की हालत में अपने पास बुला लें। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।